अब ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे, आजकल टीचर कुछ बोल देता उसको नौकरी से ही निकाल देते हैं, हमको नहीं निकालेंगे। जब भी तैयारी करो ना, तैयारी का मतलब ये तुम हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हो, पॉलिटी पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, पहली गलती जो तुम सबने करी है अपने जिंदगी से मोबाइल को निकाल। देखो हम बोल रहे हैं मोबाइल बंद, हम जब क्लास, अभी तो खैर मेरे जेब में पड़ा हुआ है, लेकिन मैं क्लास में जाता हूं, तुम कभी भी मुझे क्लास में मोबाइल के साथ नहीं देख सकते। फर्स्ट ईयर में, इंडस्ट्री में क्या क्या सब्जेक्ट है तुम्हारा? इंग्लिश और संस्कृत? नहीं कुछ पूछेगा नहीं, तुम तो टेंशन में आएंगे, मास्टर बेइज्जती करेगा आज। शिक्षक को कुछ काम नहीं करने चाहिए, एक तो स्टूडेंट की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, मैं तो हमेशा इसके खिलाफ रहता हूं, दूसरा उसको डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए, अकेले बुला के पीट ले कमरे में, अकेले बुला के बता दे कि तुम भीख मांगने काबिल हो, पब्लिकली ना कहे। एक साहब मेरे साथ रहते हैं, दो दिन से गायब थे और फोन मिला मिला के उनको परेशान हो गए, हम का परेशान हो रहते कि परेशान हो जाएंगे, से किसी पैसा उधार दे दो फोन नहीं उठा रहा, तो उसको मिलाने में बहुत मजा आता है, तुमको पता है ये नहीं देगा, लेकिन मजे क्यों हो जाए। कि भैया 22 अगस्त को पैसा दे देंगे, तो तुम 22 अगस्त को उसको फोन मत मिलाओ, 23 की सुबह मिलाओ, 23 अगस्त की सुबह मिलाओ, और अगर ना उठाए तब हर 4 घंटे मिला लो, कुछ नहीं करना उसको, कोई मैसेज नहीं करना, धमकी नहीं देना, पैसा तो मिलेगा नहीं, कम से कम मजा तो मिले, क्योंकि जितनी बार तुम मिलाओगे वो हिलेगा। कोई जरूरी थोड़ा है कि तुम पैसा मांगो, अब सलमान है इनका 5000 रुपया हमको देना है, ये फोन उठाते हैं हम उठाते ही नहीं, अभी कहीं सुने होंगे हमारी इस बात को तो हमारे ऊपर अप्लाई कर देते हैं कि सर को मिला। खैर तुमने जो सबसे पहली गलती की, सबसे पहली इलाहाबाद ने बहुत बड़ी गलती कर दी, प्रयागराज जो पढ़ने का उद्देश्य है, हर एक उद्देश्य है पढ़ना, पढ़ना का उद्देश्य क्या है? सीखना, ये उद्देश्य है ये। अब जब तुमने ऋग्वेद की अर्थव्यवस्था पढ़ी तो क्या सीखा? ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था पढ़ी होगी ना, ऋग्वैदिक काल पढ़ा होगा जीएस में, तो जब तुमने ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था पढ़ी तो क्या सीखा? सब नोट करते चलना, ये पहली गलती प्रयागराज ने की, उसने पढ़ाई को रटना बना लिया, बिना जागरूकता के से की गई मेहनत मजदूरी कहलाती है। कौन सी मेहनत? बिना जागरूक के हम क्यों कर रहे हैं, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? बिना जागरूकता से की गई मेहनत क्या कहलाती है? अब जब तुम ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था पढ़ोगे, तो तुमको पता चलेगा कि कैसी अर्थव्यवस्था है, भरण पोषण सबसिस्टेंस अर्थव्यवस्था है। कैसी है? भरण पोषण अर्थव्यवस्था है। रिक्शे वाले की अर्थव्यवस्था है, 400 रुपया डेली कमाएगा और 400 उसका डेली खर्चा। अब ये जो भरण पोषण अर्थव्यवस्था का व्यक्ति है, ये टैक्स दे सकता है? ये कर नहीं दे सकता, ये कर नहीं दे सकता। अब बिना कर के राज्य संभव है? तो ऋग्वैदिक काल में तुम्हें क्या मिलेगा? कबीला मिलेगा, कुरु कबीला, राज्य नहीं है। अब यहीं पर अर्थव्यवस्था पढ़ने के बाद तुमने जो सबसे पहली बात सीखी कि बिना कर के राज्य, ये पहली बात करो यार, फिर से रिवाइव करो इसको। तुम लोग, तुम बस पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो,
सीखना चाहते ही नहीं, तुम रुकना नहीं चाहते। कितनी बड़ी गलती तुम कर रहे हो, तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो गया है, तुम जबरदस्ती पढ़ रहे हो, रो रो के पढ़ रहे हो, मजबूरी में पढ़ रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, ये तुमने पूरा खेल ही खत्म कर दिया। इसीलिए तो तुम्हारा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं पैदा हो पा रहा है। जब कोई काम करने से अंदर परिवर्तन तो इंटरेस्ट पैदा होगा, कभी नहीं होगा, तुम्हारा हो ही नहीं रहा है। अब तुमको इसको पढ़ने के बाद क्या हुआ, तुम अफगानिस्तान की तरफ नजर दौड़ाओगे कि यार यहां सेना नहीं है स्थाई, यार यहां प्रशासन नहीं है, यहां की करेंसी क्या है, अफगानिस्तान की करेंसी का नाम बताओ, रूबल। रस्सी लाए हो गई बांधे इन्हें और क्या करें। और अमेरिका की करेंसी डॉलर, तो पता है सबको। अब यहां करेंसी हो ही नहीं सकती, भरण पोषण अर्थव्यवस्था जो है, भरण पोषण। रिक्शा वाला आईफोन खरीदेगा, रिक्शा वाला दाल खरीदेगा, चावल खरीदेगा, दवा खरीदेगा, रिक्शा वाला हीरा खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। यहां करेंसी हो ही नहीं सकती, यहां करेंसी का सवाल ही नहीं उठता, संभव है। तुमने पढ़ने के साथ सीखना छोड़ दिया, इसलिए तुम सब लोगों के लिए पढ़ाई बन गई अभिशाप, मजबूरी, तनाव, दबाव, प्रेशर। भैया कोई बना दे, कौन बनाएगा, मत जो किसी को कुछ बना दे तो भगवान खेल हो जाएगा। जिस दिन इंसान किसी को कुछ बनाने लगेगा तो सबसे पहले तो अपने घर को बना ले जाएगा। जैसे आज भारत में डायनेस्टिक डेमोक्रेसी है, वंशानुगत प्रजातंत्र, एक नई तरह का प्रजातंत्र है डायनेस्टिक डेमोक्रेसी। कोई एक परिवार नहीं कर रहा है, सब कर रहे हैं। सारी राजनीतिक पार्टियों का भारत में उठा के देख लो। अब ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे, आजकल टीचर कुछ बोल देता उसको नौकरी से ही निकाल देते हैं, हमको नहीं निकालेंगे। ये तो ये श्री यथार्थ मेरा वेंचर है इलाहाबाद, ये मेरी संस्था है। हमने सुना बहुत लोग कह रहे थे कि वो हम आते नहीं, हम हर महीना एक हफ्ता यहां रहते हैं। इस महीने मेरे पिताजी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं घर पे था, अभी भी वो मेरे साथ दिल्ली में, इसलिए इस महीने नहीं आ पाए। हर महीने मैं इलाहाबाद में एक हफ्ते रहता हूं, चाहे मेरी क्लास शेड्यूल है या नहीं है, ये मेरी संस्था है। हालांकि हमसे बहुत लोग कहते हैं कि मत बताया करो, काहे ना बताएं। चलिए, भारत में सामंतवादी मानसिकता नहीं खत्म हुई, सामंत तो खत्म हो गया, सामंतवादी मानसिकता नहीं खत्म हुई। अब ऊबर की कैब में जो आदमी बैठता है ना, वो उसके ड्राइवर को अपना ड्राइवर समझता है, वो तुमको सर्विस दे रहा है, तुम उससे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। हम लंबरदार हैं, हम सड़क पे लिटाक चढ़ा देंगे तुमको, तुम लंबरदार अपने घर में हो, कायदे से बैठो। यहां सामंतवाद खत्म हो गया, सामंती मानसिकता आज भी जिंदा है। तुम देखो ज्यादातर लोग बैठे रहते हैं यहां, बॉडी लैंग्वेज बताते थे ऐसे खड़े हैं, वो देख के ही लग जाता है कि भैया ये लंबरदार है। खाना लगभग सभी लोग बनाते होंगे, सुबह रोटी बना लो कम से कम 15-20, और शुद्ध सरसों का तेल ले आओ घर से, घी अवेलेबल है तो और अच्छा, पर जब भी भूख लगे पर घुमा लो उसको खटाक से, तेल नमक प्याज। जब तुम्हें लग्जूरियस खाना खाना हो, और दोपहर में एक टाइम बढ़िया खाना, दाल चावल वही तो पहले खाते थे वैसे आज भी लोग खाते हैं, संडे में एक आध दिन तुम कभी बना लिए बढ़िया तो अच्छी बात है, खाने का थोड़ा ध्यान दो, रात में कोशिश करो हल्का भोजन करो,
इसको रात में काम मत करने दो, इसको भी सोने दो, किडनी लीवर स्मॉल इंटेस्टाइन बड़े इंटेस्टाइन इनको भी सोने दो, इनको भी आराम करने दो। अब बचा 14 घंटा, अब 14 घंटे 4 घंटे यूनिवर्सिटी हो, 4 घंटा वो चला गया, अब बचा 10 घंटा। अब उस 10 घंटे में तुमको यूनिवर्सिटी का भी काम करना है और तुमको तैयारी भी करनी है, बस उसी 10 घंटे का चार्ट बना। ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी को निग्लेक्ट कर दो, पढ़ने मत जाओ, एकदम जाओ यूनिवर्सिटी, एकदम जाओ क्लास करने जाओ, बहुत सारे तुम्हारे इतने बढ़िया बढ़िया टीचर्स हैं उनसे पढ़ो, उनके विचार सुनो, सब इसीलिए आए ही, तो पढ़ने जाओ। लेकिन उस 10 घंटे को तुम मैनेज करो कि उसका चार्ट बना लो कि अब मुझे क्या करना है। और चूंकि बहुत सारे लोगों ने 10th के बाद ह्यूमैनिटीज छोड़ दी है और सिविल सर्विस पूरा ह्यूमैनिटीज पे केंद्रित है, कल मैं इसकी चर्चा करूंगा, तो ह्यूमैनिटीज की तैयारी कर डालो, ठीक, कल मुलाकात होगी।